कार सेवक मार कार सेवक मनोहर सिंह जी हम्बर साहब और सभी, समय ज्यादा हो जाएगा, भोजन भी पका हुआ, सबका नाम लूंगी तो टाइम लगेगा और वक्ता भी ज्यादा है। सभी सम्मानित मंच और सभी पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आप सबकी मेहनत से, आप सब ने जी तोड़ मेहनत की, इसकी बदौलत आज हमारी बिलाड़ा विधानसभा में कमल का फूल खिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे पूर्वजों ने 500 साल तक संघर्ष किया और खूब लोगों ने अपना बलिदान दिया और वो क्षण अब कल हम लोगों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम बहुत ही भारत माता की जय, डेंगड़ी मात की जय। हम मत है आप आशीर्वाद दो, बिलाडर आशीर्वाद दो, तीसरी दफे आप और आप को मार वास्ते है, खूब मेहनत करिए, खूब पसीनों करियो इन वास्ते है। मैं आपने और पूरा विश्वास दिलाऊं कि आप पसीना की बूंद देते पड़ी उठे। मैं मारो खून देने तैयार हूं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवे सर ओम जी ले लो। अरे भाई मेरे को याद नहीं करना, एक बड़े से याद नहीं करना, अभी से बात करते हैं। आएगी सर। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है बिलाड़ा न्यूज में आपका। और आज हम हैं डिगड़ी माता के मंदिर और हमारे साथ है मौजूदा विधायक श्रीमान अर्जुन लाल जी गर्ग। और विधानसभा में पहली बार जो इनका अभिनंदन समारोह रखा गया है आयोजन समिति द्वारा, जानते हैं उनसे। सर स्वागत है बिलाड़ा विधानसभा में आपका। धन्यवाद। पहले तो आज डिगड़ी माता मंदिर पर
हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के निर्देशानुसार मंदिर के निर्माण की सफाई का कार्य और साथ में यहाँ पे इनके पूजा पाठ का कार्यक्रम भी था। उसके साथ के साथ मेरा भी लड़ा में प्रथम बार आगमन पर कार्यकर्ताओं द्वारा कमल के फूल को खिलाने के लिए जो इन्होंने अथक प्रयास किया था और वो भी 30 दफ़े यहाँ पे कमल का फूल खिला है, उसके लिए इन्होंने कमल के फूल की स्वागत करने के लिए हमें बुलाया। तो मैं सबसे पहले तो सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने मोदी जी की इस कार्यक्रम में और इस पवित्र पावन धाम डिंगड़ी माता के मंदिर पर जिन्होंने भी मोदी जी के निर्देशानुसार कार्य किया है और मेरा स्वागत किया, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जी हाँ, मोदी जी के एक आह्वान पर पूरे जो हिंदुस्तान के मंदिरों की सफाई जो अभियान चल रहा है अभी, उसी का एक हिस्सा बता रहे हैं विधायक महोदय। डिंगड़ी माता का मंदिर जो है आज उसी का एक हिस्सा है जो सफाई यहाँ पे हुई और अभिनंदन समारोह जो हुआ है और कहीं ना कहीं जो मोदी की नीतियाँ हैं उनको ये लागू करने की बात कह रहे हैं। सर, बिलड़ा विधानसभा के जो जनता से आपने वादा किया था उनमें से जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो पानी की थी वो कहाँ तक पूर्ण हुई? देखिए कि मैंने बिलड़ा विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें पूरी जनता के सामने मैं जब देवदर्शन यात्रा के माध्यम से पहले एक पूरा चक्कर पूरा लगाया था विधानसभा का, तो एक ही मांग थी कि हमारे यहाँ पानी की बड़ी व्यवस्था बिगड़ी हुई है, पेयजल की बड़ी आपूर्ति में बड़ी बाधा आ रही है। तो मैंने उनसे 2 महीने का समय मांगा था कि आप मेरे को 2 महीने का समय दीजिए, मैं निश्चित रूप से आपके पानी की व्यवस्था करूँगा। तो कुछ पार्ट में करीब आधे भाग में मीठा पेयजल जो हिमालय से मिलना था वो हमारे यहाँ सुचारू रूप से मिलना शुरू हो गया है और आधे भाग में मैं निश्चित रूप से प्रयास कर रहा हूँ निरंतर कि आधे भाग में भी हमारे हिमालय का पानी पहुँच जाए, ताकि हमारी जो बेहद मांग थी इस बिलड़ा विधानसभा क्षेत्र की वो पूरी हो सके। जी हाँ, मतलब मीठे पानी की जो आधे मार्ग भाग में जो है वो सुचारू रूप से अभी हो पाई है और आधे भाग में अभी बाकी है जो विधायक महोदय प्रयासरत है। सर, बिजली का भी एक मतलब किसानों की बहुत बड़ी समस्या थी कि मतलब दिन में इनको नहीं मिलती थी। हाँ, तो वो आप ये भी बात सही है कि सभी जगह ये रात में जो सर्किट ब्लॉक देते थे उसके लिए हमने इनके उच्च अधिकारियों से वार्ता की और उनको बताया कि हमारे इस क्षेत्र में जो वन्य जीव हैं उनसे किसानों को बड़ा खतरा है, कभी पता नहीं आगे भी एक दो किसान के साथ उन्होंने उनकी मौत हो गई थी जंगली जानवरों की वजह से। तो उन्होंने हमारी बात को माना और अब पूरे विधानसभा क्षेत्र में ही जो रात को बिजली दी जा रही थी एग्रीकल्चर की वो वापस दिन को कर दी। निश्चित रूप से इनको किसानों में भी मोदी जी के प्रति बड़ा विश्वास जगाया।